नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता है अन अकेडमी स्टूडियो एनग्रेव के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस पर कि किसने उनको खोजा और कब खोजा। ये हमारा एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल की बात करें, चाहे सीएचएसएल की बात करें, चाहे सीपीओ की। सीपीओ का अभी एग्जाम हुआ था, सीपीओ के एग्जाम में देखा सेम हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। कभी आपसे बात कर रहा है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर, तो कभी बात कर रहा है मेंशंस को लेकर, कभी बात कर रहा है वो क्वांटम थ्योरी को लेकर, कभी बात कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर। तो ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए थे। तो आज हम इस सेशन में उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मुलाकात करवाता हूँ मैं अपनी टीम से। मेरी टीम के अंदर मैथमेटिक्स के धुलंधर कौन कौन हैं? मेरे मैथमेटिक्स के धुलंधर हैं सुनील बदोनी सर, पवन राव सर और उमाकांत शर्मा सर। मैं बात करूं जनरल स्टडीज़ में सबसे बड़े खलीफा कासिफ अंसारी सर, इंग्लिश में इंग्लिश एक्सपर्टीज़ नेहा मलिक एंड संदीप रावत सर, और जनरल साइंस के लिए मैं खुद आप लोगों के साथ हूँ अभिषेक सरोहा। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक सरोहा है, लगभग मुझे 4 सालों का एक्सपीरियंस हो गया है एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स को मेंटर करते हुए, और एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स को मेंटर मैंने 4 सालों में कम से कम 2 लाख स्टूडेंट्स किए हैं, कम से कम 2 लाख किए हैं, जिनमें से 60% स्टूडेंट्स ने जिसमें से 60% स्टूडेंट्स ने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अब ये जो मेरा परसेंटेज क्राइटेरिया है वो इंक्रीज करने का काम आप लोग करोगे मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारी टेलीग्राम ऐप है। थोड़ा सा मैं अनअकैडमी के बारे में बता दूं आज आप लोगों को। दिस इज आवर टेलीग्राम ऐप, हियर यू सर्च एसएससी एनग्रेव। आप जैसे ही इसमें एसएससी एनग्रेव डालोगे तो आपको यहाँ पर सारी की सारी मेरी टीम की इंफॉर्मेशन निकल आएगी कि मेरी टीम मेंबर्स, मेरे जो एडुकेटर्स हैं मेरी टीम के अंदर, वो किस किस टाइम लाइव आने वाले हैं, किस टाइम उनकी प्रीमियम क्लासेस होंगी, हर एक चीज़ के बारे में आप यहाँ से पता कर सकते हो। नेक्स्ट, ये लर्निंग ऐप है हमारी अनअकैडमी की। आप इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, फिर फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल होने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका गोल एसएससी एग्जाम्स। जैसे ही आप अपना एसएससी गोल को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर हमारे बेनिफिट ऑफ प्लस मिलते हैं। बेनिफिट ऑफ प्लस क्या है? आप यहाँ अपने फेवरेट टीचर से कंटिन्यू क्लास कर सकते हो, रियल टाइम इंट्रैक्शन रहेगा टीचर के साथ, लाइव डाउट क्लासेस रहेंगी, उनकी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो, और तो और आप उनको ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो। और होगा कब ये पॉसिबल? एक सब्सक्रिप्शन के बाद। बात आती है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन होगा कैसे बेटा? सबसे आसान है ये सब्सक्रिप्शन। एक बारी आप ले लोगे ना तो सारे के सारे एडुकेटर्स की वीडियो को आप देख सकते हो। और इसके लिए प्रोसेसिंग क्या है वो मैं बता दूं। एक सब्सक्रिप्शन लोगे तो जनरली 1 साल की जो फीस होती है 6,000 रुपये होती है, बट इसमें मेरा कोड डालोगे आप ABS लाइव, इसके अंदर मेरा कोड अप्लाई करोगे ABS लाइव, तो 10% के डिस्काउंट के बाद जो टोटल आपका अमाउंट होगा वो कितना होगा? 5,400 रुपये होगा आपका टोटल अमाउंट जो आपको पे करना होगा, ये 1 साल के लिए। इसका कंपैरिजन ऑफलाइन क्लासेस से करो तो यार, ऑफलाइन क्लासेस में आप कम से कम 12,000 से 15,000 रुपये पे करते हो। कितने टाइम के लिए? कम से कम 3 या 4 महीने के लिए, और यहाँ 1 साल के लिए। वहाँ एक ही मैथ्स का टीचर होता है, यहाँ हजारों मैथ्स के टीचर हैं, वहाँ एक इंग्लिश का टीचर, यहाँ हजारों इंग्लिश के टीचर। तो आप एडमिशन लीजिए बेटा, सब्सक्रिप्शन लीजिए, कुल मिलाकर ये बात है। 2 साल की फीस 9,700 रुपये। कोड अप्लाई करो ABS लाइव कोड, 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरी तरफ से, कितना होगा? 8,640 रुपीज़। तो ये तो था बेटा सब्सक्रिप्शन के लिए, आया समझ में आप लोगों को। और अब हम बात करने वाले हैं
एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स 19 डेज वाले की। किसकी बात करने वाले हैं? एसएससी सीजीएल क्रॉस 90 डेज वाले की, जो हमारा आज लेक्चर है 32 है, जिसमें हम बात करेंगे इन्वेंशंस की, और वो इन्वेंशंस किसने की उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग ही बताओगे सारा सब कुछ, किसने कौन सी इन्वेंशन की थी, कौन सी नहीं की थी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे, एग्जाम में पूछा जा चुका है न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर की इन्वेंशन किसने की थी, जल्दी बताएंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, जल्दी बताओ न्यूक्लियर रिएक्टर, जल्दी बताएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। हिंदी में क्या कहा जाता है? नाभिकीय रिएक्टर। हिंदी भी लिखते हैं आज तो हम देखेंगे यहाँ नाभिकीय। नाभिकीय रिएक्टर, रिएक्टर को रिएक्टर लिखा जाएगा यहाँ पर। नाभिकीय रिएक्टर, या इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं परमाणु, जल्दी बताओ कौन होगा इसके, किसने इसकी डिस्कवर की थी न्यूक्लियर रिएक्टर की, जल्दी बताओ किसने की थी? एनरिको फर्मी, याद रखेंगे किसने की थी? एनरिको, कौन थे? एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी ने इसकी इन्वेंशन की थी। आया समझ में? परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर रिएक्टर की किसने की थी? एनरिको फर्मी ने की थी। आया समझ में? अब चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां देखेंगे पोजिस्ट्रॉन, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है पोजिस्ट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन किसने की थी इसकी डिस्कवरी। साथ के साथ मैं कई लिखता हूं, इनमें से बताएंगे आप लोग। फर्स्ट हो गया पोजिस्ट्रॉन, सेकंड होगा मैसन, डायोड वॉल, डायोड वॉल, नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी, नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, जल्दी बताएंगे। हरी अब किसने इनकी डिस्कवरी की थी, जल्दी बताओ डिस्कवरी किस किसने की थी इनकी, बताओ यार। पोजिस्ट्रॉन की किसने और कब की थी, हरी अब जल्दी बताएंगे। चलो मैं बता देता हूं, पोजिस्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी? 1932 में हुई थी। मार्कर चेंज करते हैं, कब हुई थी इसकी? 1932 में हुई थी। और करने वाले कौन थे? एंडरसन, कौन थे? एंडरसन, एंडरसन ने क्या किया था? इनकी डिस्कवरी की थी, ध्यान रखना। फिर बात आती है मैनसन, मैनसन कब हुए थे डिस्कवर? तो याद रखना ये 1949 में, 1949 के अंदर, हमारी आजादी के बाद। किसने डिस्कवर किया था इनको? युकावा, किसने किया था? युकावा, किसने किया था ध्यान रखेंगे? युकावा, किसने किया था दोस्तों? युकावा ने, किसने किया? युकावा,
बहुत अच्छे। फिर आता है आपका डायोड। डायोड की डिस्कवरी किसने की थी? डायोड, और कब हुई थी? ये हुई थी 1904 के अंदर हुई थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी बच्चा? फ्लेमिंग ने की थी। आया समझ में? रेडियो एक्टिविटी तो आपको ही बतानी पड़ेगी यार, रेडियो एक्टिविटी तो बताओ, आपको ही बतानी पड़ेगी रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था? जल्दी बताओ यार, रेडियो एक्टिविटी जल्दी बताओ। और कब हुआ था? कब हुआ था ये बताओ, जल्दी बताओ यार। याद रखना, रेडियो एक्टिविटी कब हुआ था ये आपका? 1895। किसने किया था? हिंट दे रहा हूं मैं आपको, हेनरी। अब तो बता ही सकते हो, अब तो बता दो, हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल, स्पेलिंग देखेंगे, बैक यूरल की, बैक कुरल, बैक कुरल, यू ई आर ई एल, बैक कुरल। हेनरी बैक कुरल, हेनरी बैक कुरल ने रेडियो एक्टिविटी की आपकी खोज की थी। और ये कब की थी? 1895 में की थी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं होगी दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत है? नहीं होगी। अब चलें आगे, ठीक है, नेक्स्ट। आपसे पूछा जाता है एरोप्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन, बताओ इनकी डिस्कवरी किस किस ने की थी? थोड़ा सा जल्दी बताएंगे किस किस ने की थी भाई, जल्दी बताओ, स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ाओ अपने, किस किस ने की थी? इसका तो सभी को याद है, हेलीकॉप्टर की किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने की थी। किसने की थी भाई? राइट ब्रदर्स ने की थी। हेलीकॉप्टर की डिस्कवरी किसने की थी? राइट ब्रदर्स, दो भाई थे, उन्होंने किसकी की थी आपके? एरोप्लेन की थी। एरोप्लेन की किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने। अब बात आती है कि आपके हेलीकॉप्टर की किसने की? तो याद रखेंगे, इगोर हेलीकॉप्टर्स के थे, जो इगोर थे, इनका पूरा नाम क्या था? इगोर, एस आई के ओ आर एस के वाई, सिकोर्स, क्या था? स्कोर्सकाई, स्कोर्सकाई, सिकोर्सकाई, इगोर स्कोर्सकाई ने क्या किया था? हेलीकॉप्टर की डिस्कवरी की थी। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर क्या आता है आपका? इलेक्ट्रिक बल्ब आता है भाई। इलेक्ट्रिक बल्ब की जो डिस्कवरी की गई थी वो किसने की थी? इलेक्ट्रिक बल्ब की थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी इसकी डिस्कवरी। किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। आगे चलेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन, इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन। आया समझ में? सेम बात आती है ग्रामफोन की, किसने की थी? सेम की थी थॉमस अल्वा एडिसन। आया समझ में?
कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर बात करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, लाइव क्लास का बता दूं आपको, जो लाइव क्लास डेली होती है मेरी, वो 10:30 बजे होती है। आज जो लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास आज जो होगी 10:30 बजे होगी, और उसमें हम बात करने वाले हैं ग्लैंड्स पार्ट टू पर। किस पे बात करने वाले हैं? ग्लैंड्स पार्ट टू पर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद। मुलाकात करेंगे फिर रात को 10:30 बजे, आना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बाय बाय।